Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new analysis video. So आज का डेट है 29th of Jan, first trading session of the week Monday and current time is 4:38 PM. So बजट डे के पहले ही मार्केट काफ़ी शानदार मोमेंटम आज के दिन से ही यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। सो देखिएगा कि अगर बजट डे के पहले ही जब भी बजट मार्केट में रिलीज होने वाला हो, अगर उसके पहले बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी वहाँ पर क्रिएट हो जाए तो वो एनालिसिस क्या फैक्टर वहाँ पर अफेक्ट होगा उसको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम अराउंड से 400 पॉइंट्स मार्केट कल के क्लोजिंग से आज के दिन कंटिन्यूस रैली में बाइंग साइड के ट्रेंड को मार्केट्स ने यहाँ पर क्रिएट किया है। सो फर्दर वीडियो में एनालिसिस को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि देयर आर ओनली लास्ट 2 days रिमेनिंग फॉर यूजिंग द कूपन कोड फॉर 25% डिस्काउंट। तो लास्ट 2 days है टू अवेल दी ऑफर। तो JAISHREERAM25% कूपन कोड को यूज कर सकते हैं टू अवेल 25% ऑफ ऑन ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो 25% डिस्काउंट देखिए सिर्फ दिवाली के ही ऑफर पर दिया जाता है, इसके अलावा ईयरली बेस पर कभी भी 25% ऑफर को नहीं दिया जाता है। सो वन टाइम ईयर ऑफर को आप यूज कर सकते हैं। अभी करेंटली 2 days आर रिमेनिंग। सारी चीजों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो चार्ट्स के थ्रू एनालिसिस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का मार्केट काफी ही शानदार कंटिन्यूस ओपनिंग के साथ मार्केट ट्रेंडिंग बिहेवियर में विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट कंटिन्यूस मोमेंटम में बाइंग साइड का मोमेंटम आज के दिन क्रिएट किया है। सो देखिएगा कल के एनालिसिस वीडियो में भी बताया गया था कि आज का जो हमारा बायस होगा वो बाइंग साइड होगा। तो कल का वीडियो जाकर के देख सकते हैं कि क्या एनालिसिस को वहाँ पर किया गया। एंड इसी बेस पर जो मेजर ओवरव्यू जो मार्केट करेंटली कंडीशन चल रहा था इसकी के बेस पर आज का ओवरव्यू बाइंग साइड का बनाया गया। बट इस चीज़ को समझिएगा कि बाइंग साइड का ओवरव्यू हो और मार्केट भी बाइंग साइड जाए बट एंट्री बाइंग साइड मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो यही सेम चीज़ आज के दिन हुआ है कि मार्केट ओवरव्यू भी हमारा कल के दिन से ही बाइंग साइड था। 1 day बिफोर ट्रेडिंग प्लान था कि आज के दिन बाय करना है। इसके बाद केसेस भी डिस्कस किया गया था क्या क्या केसेस क्रिएट होगा तो बाय करना है। बट आज के दिन देखिएगा बाइंग पॉइंट का एंट्री क्रिएट नहीं हुआ है, बाइंग सिनेरियो मार्केट ने जो हाई प्रोबेबिलिटी है वो क्रिएट नहीं किया है। तो इसलिए बाइंग साइड का एंट्री आज के दिन नहीं बनाया गया है। तो इस चीज़ को समझेंगे कि बाइंग साइड का एंट्री देखिए क्यों नहीं बनाया गया, मार्केट ने कंडीशन नहीं क्रिएट किया। कैसे नहीं किया है? क्योंकि कंटिन्यूस ओपनिंग के साथ मार्केट कंटिन्यूस बाइंग साइड जा रहा है। आज के दिन देखिएगा मॉर्निंग सबसे पहले 10 बजे तक जैसे जो मेरा ट्रेडिंग प्लान होता है कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस एक्शंस को या ट्रेड को प्लान किया जाता है। सो मॉर्निंग से सबसे पहले 10 बजे तक वेट किया जाता है कि मार्केट को सेटल होने देंगे। तो 10 बजे का अगर कैंडल देखेंगे तो यहाँ कहीं तक मार्केट जो पहला स्विंग है ये सिर्फ बाइंग साइड का मार्केट्स क्रिएट किया और ऑल टाइम इंट्राडे हाई पर चल रहा था। तो जब भी देखिए ऑल टाइम हाई पर है, कोई भी हॉल्ट मार्केट में नहीं आया है। इसके बाद देखिएगा वेट भी किया गया बट आज सच कोई भी हॉल्ट क्रिएशन नहीं है। तो इसी बेस पर देखिएगा टॉप पर बाइंग को नहीं किया जाता है कि जो मेरे पर्टिकुलर सिस्टम है, सेटअप्स हैं, मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन है। तो जिस दिन अगर देखिएगा ट्रेंडिंग ओपनिंग से ही कंटिन्यूस चला जाए तो उस दिन मैं एग्जीक्यूशन को उस डायरेक्शन में प्रिफर नहीं करता हूं। क्योंकि ये देखिए ये सिर्फ कुछ ऐसे ट्रेडिंग सेशन क्रिएट होते हैं कि ओपन हुआ और कंटिन्यूस बाइंग साइड चला गया, कंटिन्यूस सेलिंग साइड चला गया। तो हर दिन ये मार्केट का नेचर नहीं है। मैक्सिमम टाइम अगर नेचर देखेंगे तो इस नेचर के अकॉर्डिंग ऐसे ट्रेड्स रिस्कियर टू एग्जीक्यूट होते हैं या फिर तो कोई और आउटर एनालिसिस हो, आउटर वहाँ पर स्ट्रेंथ हो या कोई और से हमारे पास रेफरेंस हो कि आज के दिन हम डायरेक्टली टॉप पर भी बाय कर सकते हैं कि मार्केट चलेगा। तो जब तक वो कॉन्फिडेंस ना हो तब तक कंटिन्यूस रैली में इंट्राडे हाई पर बाय करना मैं प्रिफर नहीं करता हूं। तो सेम आज के दिन हुआ है ये चीज़। इसके पहले एक सेलिंग सेशन भी क्रिएट हुआ था विच वॉज ऑन से 23rd जनवरी को। तो थोड़ा सपोर्ट लेकर के गिरा है बट ये भी कंटिन्यूस मोमेंटम है ऑन टू द सेलिंग साइड। तो देखिए कोई अगर ब्रेक नहीं आएगा एनालिसिस के लिए, मार्केट थोड़ा हॉल्ट नहीं करेगा, कंटिन्यूस अगर दो तीन कैंडल के गैप में अगर हाईज को ब्रेक कर रहा है, अगेन एंड अगेन ऑल टाइम हाई को क्रिएट कर रहा है, तो ये जनरल मार्केट नेचर नहीं है। तो इसी बेस पर ऑल टाइम हाई पर इंट्राडे ऑल टाइम हाई पर कभी भी बाय करना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं होता है। तो इसी बेस पर आज का बायस भी बाइंग साइड था, बाइंग साइड का ही ट्रेड हमने ट्रेडिंग प्लान में कल के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया, बट आज के दिन अपॉर्चुनिटी नहीं बना तो बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लिया गया। तो जब भी देखिए मार्केट कंटिन्यूअस बाइंग साइड जाता है तो वहां पर अगर ऑप्शन स्ट्राइक में अगर वहां पर वीकनेस हो, अगर सेलिंग पोजीशन बिल्टअप हो रही हो तो ऐसे मार्केट कंडीशंस में सेलिंग साइड का पोजीशन जरूर क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूस ही कंटिन्यू होने का बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी होता है और ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट एट अ सर्टेन पॉइंट रेजिस्टेंस फेस करके एक अच्छे रिट्रेसमेंट को क्रिएट करेगा। तो जो भी वो सेलिंग आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, कवरिंग आता है, तो उसमें काफी तेजी से फिर ऑप्शन है पुट ऑप्शन तो और तेजी से मूव करता है देन दी कॉल ऑप्शन, तो वहां पर मार्केट ज्यादा तेजी से गिरता है। तो काफी कम समय में ऐसे मार्केट्स में काफी अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो बाइंग साइड ही प्रिफर्ड था, जो आज के दिन अगर यहाँ पर पहला सेलिंग स्विंग बन जाता तो वो बेस्ट प्रोबेबिलिटी केस हो जाता टू एग्जीक्यूट इन द बाइंग साइड एंड फिर बाइंग साइड का ही ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता। मॉर्निंग से भी मैंने वेट किया बट आज सच मार्केट ने एंट्री पोजीशन नहीं दिया तो बाइंग साइड का ट्रेड इसलिए नहीं लिया गया है। इसके बाद सेलिंग को रिट्रेसमेंट के एक्सपेक्टेशन पर आज के दिन यहाँ पर एग्जीक्यूशन को किया गया है। सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर देख सकते हैं कि 10:10 पर सबसे पहले पोस्ट को शेयर किया गया कि सपोर्ट ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड टुडे आफ्टर इंट्राडे हाई क्रिएशन। इस टाइम पर अगर मार्केट बिहेवियर देखेंगे तो क्या हुआ था, इतने बड़े बड़े 3 कैंडल मॉर्निंग में मार्केट ने क्रिएट किया, गैप अप किया और गैप को मार्केट सस्टेन भी कर गया। इसके बाद भी हॉल्ट मार्केट नहीं ले रहा था, इसी बेस पर फिर ओवरव्यू क्रिएट किया गया कि हम अब रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने वाले हैं, कि बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी मार्केट क्रिएट नहीं कर रहा है तो वेट करेंगे, इंट्राडे हाई बनेगा तो सेलिंग साइड का पोजीशन लिया जाएगा। तो देखिए बाइंग साइड के बायस होने के बावजूद सेलिंग साइड कब लिया जाता है, जब एक्सटर्नल फैक्टर का भी थोड़ा कंफर्मेशन हो कि आज के दिन रिट्रेसमेंट आ सकता है, कि कंफर्मेशन हो कि सेलिंग पोजीशन मार्केट में बनाया जा रहा है फ्रॉम अ सर्टेन लेवल। तो इसी बेस पर आज के दिन देखिएगा ऑप्शन स्ट्राइक में सेलिंग एक्टिविटी देखा गया, इसी बेस पर आज के दिन फिर वहां पर पुट साइड का एंट्री बनाया गया है। तो टाइमिंग देख सकते हैं 10:10 AM पर ये इंट्राडे हाई मार्केट ने क्रिएट किया था एंड सपोर्ट ब्रेकडाउन आज के दिन एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पर इसके बाद देखिएगा टेक्स्ट को भी मेंशन किया गया था कि डाइवर्जेंस बिल्डअप स्टार्टेड इन ऑप्शन स्ट्राइक। तो ऑप्शन स्ट्राइक को यहाँ पर मैं ओपन करूंगा। सो 21,600 की यहाँ मार्केट चल रहा था तो एट द मनी या इन द मनी स्ट्राइक को वहां पर प्रेफर किया जाता है। तो 21,600 वीकली आज के दिन ऑब्जर्व किया गया। तो वीकली पुट ऑप्शन अगर यहाँ पर देखेंगे मॉर्निंग से तो सबसे पहला जो डाइवर्जेंस है आपको बिल्टअप दिखेगा कि आज के दिन या तो नो एंट्री होता, कि अगर मार्केट बाइंग साइड एंट्री नहीं दिया है तो बायस बाइंग साइड था तो या तो आज के दिन कोई भी एंट्री नहीं लिया जाता, या फिर अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशंस अगर आ जाता है, अगर ऑप्शन स्ट्राइक्स पर अगर आज सच कुछ बिहेवियर देखने को मिलता है कि वहां पर सेलिंग साइड का पोजीशन बिल्टअप हो रहा है तो इस बेस पर फिर हम वहां पर अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड भी उस ट्रेडिंग सेशन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर डाइवर्जेंस में मार्क करूंगा तो देखिएगा यहाँ मार्केट सपोर्ट लिया था विच इज एट 10:00 AM। तो यहाँ पर भी मैं सेम पॉइंट पर देखिएगा स्पॉट पर इंट्राडे हाई मार्क करूंगा और सेम पॉइंट पर देखिएगा मैंने इंट्राडे लो को इन द पुट ऑप्शन मार्क किया है। तो यहाँ पर फिर देख सकते हैं, देखिए जैसे जैसे मैं कर्सर मूव करूंगा कि अगेन यहाँ पर 10.20 पर ही ऑल टाइम न्यू इंट्राडे हाई क्रिएट हो गया, बट ऑप्शन चार्ट लो क्यों नहीं ब्रेक किया, क्योंकि हायर लेवल्स पर ही पोजीशंस को बाय कर लिया गया, ऑप्शन बाइंग कर लिया गया। तो हायर लेवल पर देखिए जब भी ऑप्शन में ऐसा डाइवर्जेंस क्रिएट हो, स्ट्रेंथ बिल्टअप हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द पोजीशन को बढ़ते हुए मार्केट में किया जा रहा है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस मार्केट जा रहा है तो देखिए ऐसा डाइवर्जेंस क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग हैवीली बाइंग पोजीशन को क्रिएट करते हैं। तो ये पोजीशन हैवीली बाइंग देखिए कब बनाया जाता है, जब वहां पर मार्केट का कंटिन्यूस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा ना हो। तो इसी बेस पर मैंने कहा कि अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो तो शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे कर्सर मूव करेंगे कि अगेन यहाँ पर इंट्राडे हाई ब्रेक हुआ स्पॉट के चार्ट पर, बट ऑप्शन के चार्ट पर देखेंगे तो मार्केट लो सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, पोजीशंस को हायर लेवल पर ही बाय कर लिया जा रहा है। इसके बाद जो एनालिसिस था देखिएगा इसके अकॉर्डिंग मार्केट फाइनली यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया एंड इस लेवल तक भी देखेंगे तो क्या हुआ है, मार्केट ने प्रॉपर सपोर्ट लेवल को होल्ड किया। ऑप्शन चार्ट पर सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, बट जनरल देखिए ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जो रेगुलर ऑप्शन बायर्स होते हैं या जनरल जो हमने चीजें सीखी हैं कि ऑप्शन प्राइस में ऑप्शन बाइंग में डिके ज्यादा होता है। तो अगर मार्केट साइडवेज भी रहेगा तो भी स्टॉप लॉस आपका ऑप्शन स्ट्राइक में चला जाता है, बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि स्पॉट पर स्टॉप लॉस चला गया है, मार्केट हाइस पर हाई ब्रेक कर रहा है, बट ऑप्शन स्ट्राइक पर तो लॉस ब्रेक ही नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्या होना चाहिए, डिके होना चाहिए और नीचे ऑप्शन चार्ट चला जाना चाहिए, प्रीमियम और ज्यादा गिर जाना चाहिए। बट जब भी देखिए पोजीशन बिल्टअप होता है, अगर प्रोजेक्शन होता है कि मार्केट में सेल ऑफ आने वाला है, तो इसी बेस पर फिर डाइवर्जेंस ऐसे केसेस में क्रिएट होता है। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस आज के दिन क्रिएट हुआ, मोमेंटम भी बाइंग साइड का मार्केट में क्रिएट हुआ, स्पॉट का चार्ट रेजिस्टेंस लेकर के सेल ऑफ हुआ, बट अल्टीमेटली देखिएगा ये सबसे बड़ा सेलिंग था जो आज के दिन क्रिएट हुआ। और जब ये सेलिंग भी देखिए सस्टेन नहीं हो पाया, तो ये एक रूल या लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए जब भी डाइवर्जेंस क्रिएट हो तो इसके बेस पर, ये रूल के बेस पर आप क्या कर पाएंगे, राइट टाइम पर एग्जिट को प्लान कर पाएंगे। सो रूल एंड लॉजिक को यहाँ पर समझेंगे कि देखिएगा मार्केट जब भी क्या हो ऐसे डाइवर्जेंस को क्रिएट कर रहा हो, जैसे यहाँ डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, तो इस डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम स्पॉट के चार्ट पर आने वाला है। तो ये बाइंग स्विंग है। अब इस बाइंग स्विंग में देखिएगा जो रिट्रेसमेंट अवेटेड है कि मार्केट करंटली डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, इंडेक्स यहाँ पर हाइस को ब्रेक कर रहा है, बट लोज ऑप्शन चार्ट पर ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस सस्टेन हो रहा है, कंटिन्यूअसली हायर लेवल्स पर पोजीशंस को ऑप्शंस में बाय कर लिया जा रहा है। तो ऐसे केस में जो रिट्रेसमेंट स्पॉट के चार्ट पर एक्सपेक्टेड है, तो वो रिट्रेसमेंट को देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो रिट्रेसमेंट आ गया है, वो फाइंड आउट होगा देखिएगा मेजर रिट्रेसमेंट से, कि अभी तक का बाइंग स्विंग में जो भी सेलिंग साइड का रिट्रेसमेंट होगा कि ये वाला है, ये वाला है, इसके बाद ये वाला है, तो जो भी देखिए बिगेस्ट रिट्रेसमेंट वहां पर क्रिएट हो जाए तो समझ जाइएगा कि जो डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है उसकी जो एक्सपेक्टेशन था उसका मोमेंटम स्पॉट पर आने लगा है। तो जैसे जो बिगेस्ट रिट्रेसमेंट क्रिएट हुआ स्पॉट के चार्ट पर इन दिस पर्टिकुलर बाइंग स्विंग, वो कौन सा था, ये वाला था। तो जो ये डाइवर्जेंस चल रहा है ना, कि जो अवेट चल रहा है कि जो मोमेंटम आने वाला है, वो मोमेंटम की शुरुआत स्पॉट के चार्ट पर यहाँ पर हो गई एंड ऑप्शंस ने भी मोमेंटम किया, बट अल्टीमेटली ये मोमेंटम क्या हुआ, रिवर्स कर दिया गया, फेल हो गया। तो देखिए जब भी रिवर्स हो तो तुरंत अपनी पोजीशंस को क्या कर लेना है, वहां पर एग्जिट कर लेना है, क्योंकि जो मोमेंटम अवेटेड था वो मोमेंटम क्या हो गया, फेल हो गया है। तो जब भी ऐसा मोमेंटम फेल हो जाए तो इट्स बेटर टू एग्जिट द पोजीशन। सो मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि डाइवर्जेंस के लिए कौन सा मोमेंटम अवेटेड है, वो आइडेंटिफाई होता है सबसे मेजर रिट्रेसमेंट उस पर्टिकुलर बाइंग स्विंग का, कि अभी तक ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट क्रिएट हुए हैं, अगर इनसे कोई बड़ा रिट्रेसमेंट जैसे यहाँ पर आ गया तो इसके बाद आपको सतर्क हो जाना है, वहां पर कॉशियस हो जाना है कि अगर मार्केट रिवर्स करेगा तो मैं पोजीशन को एग्जिट करूंगा, क्योंकि जो मोमेंटम मार्केट में अवेटेड था वो क्रिएट हुआ बट सस्टेन नहीं हो पाया, तो मार्केट फिर अगेन हाइस को ब्रेक करेगा एंड वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसी बेस पर सबसे पहला देखेंगे तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट को ब्लफ किया, रिवर्स हुआ एंड हाइस को यहाँ पर ब्रेक किया है। सो पहला स्टॉप लॉस जब भी देखिएगा पूरा अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो सेकेंड ट्रेड को किसी भी ट्रेडिंग सेशन में अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग रूल्स वहां पर प्लान किया जाता है। तो सेम बेसिस पर देखिएगा एक्सपेक्टेड था कि ये एक ब्लफ है कि जो डाइवर्जेंस चल रहा था मार्केट ने सिर्फ यहाँ पर हाई ब्रेक किया और अगेन फिर सेलिंग आ गया, कैंडल मोर देन 50% रिट्रेस हुआ एंड देन अगेन सेलिंग कंटिन्यू होने की यहाँ पर कोशिश की। तो इसी बेस पर इट वाज एक्सपेक्टेड कि जनरल ब्लफ है एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी था कि मार्केट अगेन अप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद सेल ऑफ हो सकता है। तो सिमिलर बेसिस पर दूसरा री एंट्री आज के दिन प्लान किया गया आफ्टर दिस पर्टिकुलर सपोर्ट क्रिएशन। तो ऑप्शन के भी चार्ट पर देखेंगे कि अगेन इस सपोर्ट से मार्केट ने बाइंग को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया एंड काफी देर तक ये सपोर्ट आज के दिन यहाँ पर भी सस्टेन करने की मार्केट्स ने कोशिश की। सो सिमिलर डाइवर्जेंस यहाँ से नेक्स्ट सपोर्ट के बाद भी क्रिएट हुआ है कि स्पॉट के चार्ट पर देखेंगे अगेन इंट्राडे हाई ब्रेक हो गया, अगेन इंट्राडे हाई ब्रेक हो गया, अगेन हो गया, बट अल्टीमेटली ऑप्शन चार्ट ने क्या किया, काफी देर तक उस डाइवर्जेंस को सस्टेन करने की वहां पर कोशिश की। तो सेम चीज आप सभी के साथ फिर टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट किया गया। 11:34 देख सकते हैं कि इंट्राडे हाई क्रिएटेड, सपोर्ट ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड, SL hunting done in option chart considering it a bluff. कि एसएल हंटिंग मेनली इसको कंसीडर किया गया क्योंकि जस्ट हाई ब्रेक के बाद ऐसा प्रीवियस डे में मार्केट ने मल्टीपल टाइम किया है कि जस्ट हाई ब्रेक करके मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हुआ और रिवर्स करके मार्केट ने सेलिंग साइड क्लोज हुआ है। तो इसका एक कंसेप्ट था कि कैसे आइडेंटिफाई करना है बाइंग साइड के ब्लफ को कि सेलिंग साइड जाएगा, ये प्रीवियस वन ऑफ द वीडियोज में शेयर किया गया है। तो सेम बेसिस पर आज के दिन भी एक्सपेक्टेड था ऐसा ही होगा, बट आज के दिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट अगेन कंटिन्यूस बाइंग साइड कंटिन्यू किया एंड आज के दिन फिर अल्टीमेटली ऑप्शन चार्ट जैसे देखेंगे सस्टेन करने का कोशिश किया, बट अल्टीमेटली यहाँ पर फिर यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया। तो आज के दिन यहाँ पर पुट ऑप्शन में फिर स्टॉप लॉस को बुक किया गया। सो सेम चीज़ टेलीग्राम पर भी देखेंगे अपडेट किया गया 1239 की हमारा स्टॉप लॉस आज के दिन यहाँ पर चला गया है। सो ये तो बात हो गया आज के मार्केट का कि आज के दिन मार्केट कंटिन्यूस बाइंग साइड गया। आप देखिएगा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेरा पर्सनल सबसे ज़्यादा हिट रेट है वो इसी बेस पर है कि अगर प्रीवियस डे अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है, मैं आपको अपना क्राइटेरिया बता रहा हूँ, अपना सिनेरियो बता रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जब भी प्रीवियस डे मार्केट ट्रेंडिंग क्लोज हुआ हो तो उसके बाद वाले जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं सबसे ज़्यादा अगर मेरे टारगेट किसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशंस में हुए तो वो यही वाला ट्रेडिंग सेशन है कि अगर प्रीवियस डे मार्केट क्या करे एकदम ट्रेंडिंग वन साइडेड क्लोज हो जाए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि जिस भी दिन मार्केट प्रीवियस डे ट्रेंडिंग होगा तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन विल बी ईजियर टू एग्जीक्यूट। ये मल्टीपल टाइम मैंने वीडियोस में कहा है एंड इसी के बेस पर मैंने अपना जो ट्रेडिंग जर्नल ऑब्जर्व किया, प्रीवियस वीडियोस जाकर के देखा, अपना डायरी देखा, तो वहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया जो सबसे ज़्यादा अभी मेरे रिसेंट 2-3 मंथ्स में टारगेट ट्रेड्स हैं वो यही पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशंस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड जो है या एक्यूरेसी है वो ऐसे ही ट्रेडिंग सेशंस में है। तो आने वाले डेज में मैं क्या करूंगा, अपना रिस्क मैनेजमेंट एक सेपरेट कैपिटल एलोकेट करूंगा टू ट्रेड दीज पर्टिकुलर ट्रेड्स विद अ बिगर रिस्क और बिगर क्वांटिटी। तो जो डेली का क्वांटिटी लिमिट है दैट आई हैव डिसाइडेड कि मैं उसको इंक्रीज करूंगा एंड आई हैव फाइंड आउट कि देखिए यही तो ट्रेडिंग जर्नल का मीनिंग होता है या यही तो ओवरऑल एज अ ट्रेडर वी नीड टू फाइंड आउट कि हम जिस तरह के ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं अगर किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन सेटअप पर या आपका जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, आप जिस तरह के ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें कौन सा सिनेरियो ऐसा है कि उसमें जिसमें आपके सबसे ज़्यादा टारगेट सेट हो रहे हैं, जिसमें स्टॉप लॉस का प्रोबेबिलिटी कम है, मोमेंटम अच्छा मिलता है और ज़्यादा टारगेट्स वहाँ पर हिट हो रहे हैं। तो पर्सनली वो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद अभी फाइंड आउट किया है। तो यही पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशंस के लिए जो कल के दिन है मैं एक सेपरेट कैपिटल वहाँ पर एलोकेट करने वाला हूँ टू ट्रेड दीज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सेशन। सो मैं आप सभी को भी यही एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ही तरह के माइंडसेट के साथ एक ही तरह का एग्जीक्यूशन करें और जब आपके पास उसका कंसिस्टेंट डेटा होगा तब आप उसको स्टडी कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह के सिनेरियो में आपका सबसे ज़्यादा टारगेट हिट हो रहा है। तो इट्स नॉट इन दी मार्केट्स एंड इन ट्रेडिंग फील्ड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर दिन ट्रेड करें, आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करें। अगर आप कुछ ट्रेडिंग सेशंस भी ट्रेड करते हैं लेकिन वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशंस है एंड ज़्यादा चांस ऑफ टारगेट हिट है तो जितना आप ROI हर दिन ट्रेड करके जनरेट करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आप सिर्फ कुछ सेपरेट ट्रेडिंग सेशंस को एग्जीक्यूट करके वहां पर जनरेट कर सकते हैं। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि करंट जो माइंडसेट है हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं कि बिगनिंग में कि करंट एक फिक्स माइंडसेट के साथ एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं। तो वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एनालिसिस अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो देखिए ट्रेंडिंग क्लोज हो जाए तो सिंपल ओवरव्यू होता है कि मार्केट का मेजर रेंज देखेंगे तो मेजर रेंज यहाँ पर ये पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल मार्केट ने क्रिएट किया है एंड अभी प्रीवियस डे से जो रेजिस्टेंस से मार्केट सेल ऑफ हुआ था अगेन सपोर्ट के बाद सेम रेजिस्टेंस पर आ गया है। तो जनरल बायस मार्केट बुलिश है एंड मेजर रेंज देखेंगे तो ये मार्केट का मेजर रेंज है कि ये ऑल टाइम हाई है इंडेक्स का एंड ये पर्टिकुलर मेजर ऑल टाइम वीक लो है। अब इसके बाद मार्केट मेजर रेंज में क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करके आज के दिन क्लोजिंग दिया है। तो सिंपल केसेस यहाँ पर बनने वाले हैं कि अगर कल के दिन मार्केट नीचे गिरने लगा जिसका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नीचे गिरेगा, तो अगर नीचे गिरेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्राडे सपोर्ट बनने के बाद बाइंग साइड का सिंपल ट्रेड वहां पर एग्जीक्यूट करा जाएगा। तो सबसे पहला केस होगा बाइंग साइड का। जो दूसरा केस बनेगा कि अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, अगर देखिए गैप अप हो गया और बहुत बड़ा बाइंग स्विंग बना दिया तो फिर हम वेट करेंगे आज के मार्केट के बाद बाइंग साइड का ट्रेड लेने के लिए, तो वो अदर केस हो जाएगा। बट अगर जनरल जो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर कि मार्केट इतने बड़े मोमेंटम के बाद बजट डे भी है तो कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं करने वाला है। तो जनरल कल के दिन क्या एक्सपेक्टेड है, जनरल कल के दिन सेलिंग एक्सपेक्टेड है। जैसे आज के दिन जनरल बाइंग एक्सपेक्टेड था, ऐसे कल के दिन जनरल सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मार्केट बहुत ऊपर जाए, बाइंग स्विंग काफ़ी बड़ा बनाए, तो लेस ही प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो मार्केट क्या करेगा, छोटा सा बाइंग स्विंग अगर बनाएगा, इंट्राडे हाई क्रिएट हो जाए, साइडवेज होने लगे तो शॉर्ट साइड का ही एंट्री प्लान किया जाएगा। तो जनरल बायस है वो सेलिंग साइड का है, नीचे गिरेगा तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे बायस पे, लेकिन अगर साइडवेज ओपन हुआ, थोड़ा बहुत बाइंग साइड जाएगा तो डेफिनेटली सेलिंग साइड का ही पोजीशंस बनाया जाएगा। सो दिस वाज द टुडेज एनालिसिस वीडियो। अब इसका रेगुलर जो अपडेट है, जैसे आज के दिन तो स्टॉप लॉस हुआ, बट इसके कई दिन पहले भी कंटिन्यूस टेलीग्राम चैनल पर हर सेशन को वहां पर ओवरव्यू को शेयर किया जाता है। सो रेगुलर टेलीग्राम चैनल अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड अगर आप कोर्सेज को परचेज करते हैं तो टेलीग्राम चैनल उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 20 आवर सेशन के साथ अभी आपको 1 ईयर टेलीग्राम एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एंड 52 आवर सेशन में आपको हमेशा के लिए, जब तक टेलीग्राम चैनल हमारे साइट से रन किया जाएगा द सर्विस विल बी प्रोवाइडेड, तब तक के लिए आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सो करेंटली ओनली लास्ट 2 days आर रिमेनिंग फॉर द 25% डिस्काउंट कूपन कोड। तो सारी ही चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। एंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड से